एक समय की बात है, काफी घने जंगल में एक पेड़ पर कोमल चिड़िया रहती थी। कोमल चिड़िया के दो छोटे छोटे से बच्चे भी थे, लेकिन कोमल चिड़िया बहुत ही ज्यादा आलसी थी। वह रोज सुबह देर से उठती थी और देर से ही अपने बच्चों के लिए दाना जमा करने जाती। उस जंगल में सभी पक्षी सुबह जल्दी उठकर दाना जमा कर लेते थे, लेकिन कोमल चिड़िया अपने आलसीपन की वजह से देर से उठती थी, जिसकी वजह से उसे बाद में दाना नहीं मिलता था। ये क्या मुसीबत है, मैं रोजाना कितनी मेहनत से दाना ढूंढने आती हूँ पर मुझे दाना मिलता ही नहीं है। इस तरह तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं क्या करूँ, कल से मेरे बच्चे भूखे हैं और अगर आज भी मुझे दाना नहीं मिला तो पता नहीं क्या होगा। चलो आज भी एक काम करती हूँ, अपने बच्चों को भूखा ही रखती हूँ, फिर कल सुबह जल्दी उठकर दाना ढूंढ लूंगी। इतना कहकर कोमल चिड़िया वापस अपने घोंसले में आ जाती है। और फिर अगले दिन कोमल चिड़िया दोबारा से सुबह देर से उठती है, इसीलिए आज भी उसे दाना नहीं मिलता। कोमल चिड़िया के आलसीपन की वजह से उसके दोनों बच्चों की मृत्यु हो जाती है। अब कोमल चिड़िया अपने दोनों बच्चों के मरने के बाद बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, पर अब भी कोमल चिड़िया अपने आलसीपन से बाज नहीं आती, जिसकी वजह से कोमल चिड़िया बहुत ही बीमार हो जाती है और कुछ ही दिनों में कोमल चिड़िया की भी मृत्यु हो जाती है। अब पूरे ही जंगल में कोमल चिड़िया की आत्मा भटकने लगी। मैं इन सब पक्षियों से बदला लेकर ही रहूंगी, इन सब पक्षियों की वजह से ही मेरे बच्चे मरे हैं। ये सब पक्षी रोज सुबह जल्दी उठकर दाना जमा कर लेते थे और इसी वजह से मेरे बच्चों के लिए दाना नहीं बचता था, तभी मेरे बच्चे मर गए। अब मैं इन सब पक्षियों को नहीं छोड़ूंगी, मैं भी इन सब पक्षियों के बच्चों को पकड़कर खा जाऊंगी। उसी जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी रानी कौवी के साथ रहता था। रानी मेरी बात को समझो, तुम्हारी माँ के घर जाकर हमें क्या मिलेगा? मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मुझे बस यही पता है कि मुझे अपनी माँ के घर पे जाना है तो जाना है, और आज रात आप भी मेरे साथ मेरी माँ के घर पे जाएंगे, वरना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे अरे रानी, ये तुम क्या बोल रही हो? अरे भाई, तुम जैसा कहती हो वैसा ही होगा, हम जरूर चलेंगे तुम्हारी माँ के घर पे। हाश, बाल बाल बच गया मैं। क्या हुआ कालू, तुमने कुछ बोला क्या? अरे नहीं नहीं, मेरी क्या मजाल के मैं कुछ बोलूं। फिर रात हो जाती है। चलो कालू, अब रात हो गई है, मुझे अपनी माँ के घर पे जाना है, चलो मेरे साथ। हाँ हाँ चलो रानी, पर मुझे तो बस एक ही बात का डर है, तुम्हें तो पता है तुम्हारी माँ के घर के रास्ते के बीच में कितना घना और बड़ा जंगल है, उस जंगल से हमें होकर जाना होगा, और तुम्हें तो पता है मुझे भूतों से कितना डर लगता है। तेरी इसमें डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, चलो मेरे साथ। हाँ हाँ, वैसे इसमें डरने की क्या बात है, मैं जिसके साथ रहता हूँ उससे बड़ा जिन भला कोई हो सकता है क्या? फिर वे दोनों उड़ते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब वे लोग पूरे घने जंगल में उड़ते हुए आगे जा रहे होते हैं, तभी कोमल चिड़िया की आत्मा उन दोनों को वहाँ से उड़ता हुआ देख लेती है। एरी वाह, ये दोनों मेरे काम आ सकते हैं। अब देखो मैं क्या करती हूँ, मैं जाकर इस कालू कौवे के शरीर में घुस जाती हूँ और फिर सभी पक्षियों के बच्चों को पकड़ पकड़ कर खाऊंगी। इस तरह इस कालू कौवे को भी सबक मिल जाएगा, इस कालू कौवे का कोई बच्चा नहीं है, मैं इसके बच्चे को नहीं खा सकती हूँ, इसीलिए मैं इस तरह इससे बदला लूंगी। मैं सभी पक्षियों के बच्चों को खाऊंगी और ये सारे पक्षी ये समझेंगे कि कालू कौवा उनके बच्चों को खा रहा है। फिर कोमल चिड़िया की आत्मा उस कालू कौवे के अंदर घुस जाती है। अरे रानी रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं तुम्हारी माँ के घर नहीं जा रहा हूँ, तुम्हें जाना है तो जाओ। एरी क्या हो गया है, क्या तुम्हें सुबह वाली बात याद नहीं है? मैंने सुबह तुमसे क्या कहा था, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम जो करोगी उससे ज्यादा बुरा मैं तुम्हारे साथ करूँगा, तुम नहीं जानती हो कि मैं कौन हूँ।
अरे तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे सब पता है तुम कौन हो। तुम कालू हो कालू। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा कालू नहीं हूँ। मैं तो कोमल चिड़िया की आत्मा हूँ। जो कोमल चिड़िया कुछ ही दिनों पहले मर चुकी है, मैं उसी की आत्मा हूँ। और अब मैं सभी पक्षियों से बदला लेना चाहती हूँ, क्योंकि सभी पक्षी रोजाना सुबह जल्दी उठकर दाना जमा कर लेते थे और मुझे फिर देर में दाना नहीं मिलता था। इसी वजह से मेरे बच्चे भूखे मर गए। अब मैं भी सबके बच्चों को खा जाऊंगी। अब खामोशी से तुम मेरे साथ वापस चलो, नहीं तो मैं तुम्हें भी खा जाऊंगी। अरी हाँ हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर वे दोनों वापस से अपने ही घोंसले में आ जाते हैं। अब तुम यहीं बैठी रहो, मैं जाती हूँ और किसी पक्षी के बच्चे को पकड़ कर ले आती हूँ, और फिर मैं उसे मार कर यहाँ लकड़ी पर लटका दूंगी, ताकि सभी पक्षियों को पता चले कि कोमल चिड़िया उनसे बदला ले रही है। फिर कोमल चिड़िया की आत्मा कबूतर के बच्चे के पास जाती है और उस कबूतर के बच्चे को मार कर एक लकड़ी पर लटका देती है। हा, मुझे कितना आनंद मिला है इस बच्चे को मारकर। अभी मैं धीरे धीरे सभी बच्चों को मार दूंगी, तभी जाकर मुझे आनंद मिलेगा। अब इसी तरह अगली रात कोमल चिड़िया की आत्मा तोते के घोंसले पर जाती है और उसके बच्चे को भी मारकर उसी लकड़ी पर लटका देती है। अरे कोमल, तुम ठीक नहीं कर रही हो, ये बहुत ही गलत है। तुम्हारे बच्चे हम पक्षियों की वजह से नहीं मरे हैं, वो तुम्हारे आलसीपन की वजह से मरे हैं। तुम बहुत ज्यादा ही आलसीपन करती थी और सुबह देर से उठती थी, इसीलिए तुम्हें दाना नहीं मिलता था। इसीलिए सारा दोष तुम्हारा है। तुम हम सब पक्षियों के बच्चों को मत मारो। अरे वो कुछ भी हो, तुम मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। मैं कोई आलसी नहीं थी, तुम ही पक्षियों की वजह से मेरे बच्चे मरे हैं। मैं आप किसी को नहीं छोड़ूंगी। रानी कौवी से ये सब बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा था। वे कौवी अपने मन में यही सोच रही थी, ये रानी कौवी बहुत ही गलत कर रही है। मुझसे तो ये बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा है। बस अब बहुत हुआ, मैं अब जाकर ये बात सभी पक्षियों को बता दूंगी। अब सभी पक्षी मिलकर ही इस कोमल चिड़िया का कुछ करेंगे, तभी मेरे कालू को भी आज़ादी मिलेगी। फिर अगले दिन रानी कौवी एक जगह पर सभी पक्षियों को जमा कर लेती है। बताओ रानी, तुमने हम सब पक्षियों को यहाँ पर क्यों जमा किया है? हाँ रानी, बताओ। वैसे मुझे बहुत चिंता हो रही है, कहीं आज भी मेरा दूसरा बच्चा गायब ना हो जाए। अरे हाँ, इसी वजह से तो मैंने आप सब पक्षियों को यहाँ पर बुलाया है। मुझे पता है कि आप सब पक्षियों के बच्चे कहाँ पर हैं। फिर कोमल चिड़िया सभी पक्षियों को सारी बात बता देती है। ये तो बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है, अब क्या होगा? अब हमें इसके बारे में कुछ न कुछ सोचना होगा। हमें इसमें सोचना क्या है, हम उल्लू बाबा जी के पास चलते हैं। उनके पास कोमल चिड़िया को मारने का कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। हाँ हाँ मिट्टू तोते, तुम ठीक कह रहे हो। चलो हम उल्लू बाबा जी के पास चलते हैं। फिर वे सब पक्षी उल्लू बाबा जी के पास आ जाते हैं। बच्चों, तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम सब लोग यहाँ पर क्यों आए हो। तुम उस कोमल चिड़िया की आत्मा से बहुत परेशान हो ना? हाँ बाबा जी, पर ये सब आपको कैसे पता? और तुम लोग वो सब नहीं समझ सकते। बस तुम लोग एक काम करो, अगर तुम्हें उस कोमल चिड़िया से निजात पानी है, तुम लोग ये पानी उस कालू कौवे पर डाल देना, तभी उस कालू कौवे के अंदर से कोमल चिड़िया की आत्मा निकलकर इस बोतल में कैद हो जाएगी। पर ध्यान रखना, कोई गड़बड़ मत करना। फिर रात होते ही सभी पक्षी कालू कौवे को घेर लेते हैं। अब मिठू तोता वे पानी उस कालू कौवे पर डाल देता है, तभी देखते ही देखते कोमल चिड़िया की आत्मा उस बोतल के अंदर कैद हो जाती है। अरे ये तुम लोगों ने क्या किया, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, मुझे तुमसे बदला लेना है। चलो मीनू चिड़िया, अब इस बोतल को हम पानी में फेंक देते हैं, ताकि ये कोमल चिड़िया की आत्मा कभी वापस ना आ सके। फिर वे सब पक्षी उस कोमल चिड़िया की आत्मा को पानी में फेंक देते हैं। कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें आलसीपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलसीपन करने से कुछ ऐसा भी हो सकता है।